Welcome back. ఒడిశాలో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా అమిత్ షా ప్రసంగిస్తూ ఉన్నారు. లైవ్ చూద్దాం. సర్కార్ హోగీ భువనేశ్వర్ మే కిస్కీ సర్కార్ హోగీ ఏ తయ్ కర్నే వాలా చునావ్ హై. మే కశ్మీర్ సే కన్యాకుమారి ఔర్ అసామ్ సే లేకర్ గుజరాత్ తక్ ఘుమ్తా హూ. జహాన్ భీ జాతా హూ పూచ్తా హూ భయ్యా కిస్కీ సర్కార్ బనేగీ. सब जगह एक ही जवाब आता है, मोदी 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 मोदी. भाषाएं बदलती है, प्रदेश बदलता है, मगर मोदी का नाम नहीं बदलता है. देश भर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग तैयार हैं. मगर मित्रों, महाराष्ट्र वालों की बात अलग है, गुजरात वालों की बात अलग है, उत्तर प्रदेश वालों की बात अलग है. यहां पर आपने दो फैसले करने हैं. एक, नवीन बाबू की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है, और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनानी है. मुझे बताओ, ये दोनों चीजों के लिए आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जरा जोर से बोलो, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मित्रों, मैं ज्यादा लंबा कहना नहीं चाहता. मैं सुबह एक कार्यक्रम करके आया जो मेरा नहीं था, इसके कारण थोड़ा लेट हो गया हूं. परंतु मैं कहना चाहता हूं, 19 साल सरकार चलाई है. अभी परसों ही मैं सूरत जाकर आया. सूरत में मेरी सभा में 30,000 उड़िया भाई बहन थे. 30,000 कितने थे बोलो भैया? गुजरात वालों के लिए तो अच्छा है, सूरत में जो उड़िया वासी रहते हैं हमें ही वोट देते हैं. मगर आप क्यों खुश हो रहे हो? जो युवा सूरत के अंदर रह रहा है, अपना पसीना बहाकर गुजरात का विकास कर रहा है, देश का विकास कर रहा है, वो युवा को यहां से क्यों जाना पड़ता है? वो अपनी पत्नी के साथ ओडिशा में रहकर रोजगारी क्यों नहीं प्राप्त करता है? वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहकर अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर सकता है? मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम ऐसे ओडिशा की रचना करेंगे. ओडिशा के अंदर हर युवा को नौकरी के लिए गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, यहीं अपने गांव में रोजगारी मिलेगी. 19 साल तक शासन करने के बाद नवीन बाबू, ऐसा कैसा शासन किया आपने कि ओडिशा का व्यक्ति वहां जाकर, ओडिशा का व्यक्ति वहां जाकर अपने पेट का पालन करना पड़ता है, ओडिशा में नहीं कर सकता है. मित्रों, ओडिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ढेर सारे कार्यक्रम हुए, ढेर सारे विकास हुए, मैं बताऊंगा बाद में. मगर नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सौतेला व्यवहार पश्चिम और मध्य ओडिशा के साथ किया है, इस बार इसका हिसाब किताब करने का समय आ गया है. मित्रों, ओडिशा के अंदर भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही नहीं करता, इतना भ्रष्टाचार चला है. इनके चहेते अफसर कलेक्टर के पास से उगाही करते हैं, एसपी के साथ से उगाही करते हैं, जनता के पास से उगाही करते हैं, कमीशन लेते हैं. ये सब छोड़ दीजिए, महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार भी सलामत नहीं रहा. मित्रों, महाप्रभु का रत्न भंडार भी, जो महाप्रभु के रत्न भंडार को हजारों हजारों सालों से देश भर के महाप्रभु के भक्तों ने भरा, वो रत्न भंडार का हिसाब किताब भी ठीक नहीं है. और नवीन बाबू को लगता है कि रुपये पैसों का मामला है. अरे नवीन बाबू, ये रुपयों पैसों का मामला नहीं है,
ये महाप्रभु का रत्न भंडार मेरे ओरिसा की लक्ष्मी है, ओरिसा का संपत्ति है, ओरिसा का समृद्धि है। आपने इस पर इसको सलामत नहीं रखा है। मित्रों, बीजेडी इतने लंबे समय से यहां पर शासन कर रही है, आदिवासी वन समुदाय के लोगों को अपने कागजात नहीं दे पाई, महेंद्र तनिया और बंसधरा नदी की परियोजनाएं पूरी नहीं कर पाई, रायगढ़ से लेकर परलाखेड़ मुंडी तक सिंचाई की कोई योजना पूरी नहीं कर पाई, और इसके अलावे मित्रों गजपति जिले में जनजाति समुदाय के विरासत के संरक्षण के लिए भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज भी सबसे कम शुद्ध पीने का पानी अगर घर में पहुंचाया है तो देश भर में सबसे कम ओडिशा के अंदर पहुंचाया है। अस्पताल में डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है, घर में 24 घंटा बिजली आती है, शुद्ध पीने का पानी आता है, गांव के अंदर गलियां बनी है, सब में नाना नाना कर रहे हो तो नवीन बाबू आपने किया क्या? आपने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल बाबा आजकल यहां पर्यटन करने आते हैं ओडिशा के अंदर, उनकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक चली, 13वां वित्त आयोग आया, 13वें वित्त आयोग के